एवरीवन, आज हम विसल ब्लोइंग के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज दो टॉपिक करेंगे, एक टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग और एक दूसरा आ गया आपका जस्टिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोइंग। पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग, कि विसल ब्लोइंग जो है कितने तरह की होती है। तो विसल ब्लोइंग आपके 6 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट आ गया आपका इंटरनल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि जब कोई विसल ब्लोअर जो है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को जो है इन्फॉर्म करता है, इंटरनल मैनेजमेंट के आगे डिस्क्लोज करता है कंपनी के रॉन्ग डूइंग्स को, मिसकंडक्ट्स को, तो उसको हम इंटरनल विसल ब्लोइंग बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है इंटरनल विसल ब्लोइंग का? इसमें जो है एक तो कंपनी जो है टाइम रहते उन गलत कामों को, उन अनएथिकल कंडक्ट्स को जो है रोक सकती है, और दूसरा कंपनी की रेपुटेशन जो है वो दाव पे नहीं लगती। मींस बाहर वालों के सामने अगर कंपनी के अनएथिकल वर्क्स जो है अगर डिस्क्लोज हो जाएंगे तो कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स दोनों की रेपुटेशन जो है वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इंटरनल विसल ब्लोइंग के थ्रू जो है हम कंपनी की रेपुटेशन भी बचा सकते हैं, और दूसरा उन अनएथिकल वर्क को डिस्क्लोज होने से, बाहर डिस्क्लोज होने से पहले ही हम फर्स्ट स्टेप पे ही उसको जो है खत्म कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं उन अनएथिकल वर्क्स को। सेकेंड टाइप की विसल ब्लोइंग आई आपकी एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि कंपनी के आउटसाइडर्स के सामने जो है डिस्क्लोज करना कंपनी के मिसकंडक्ट्स को, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज के आगे, मीडिया के आगे, और इसका कंपनी की रेपुटेशन पे नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ता है। थर्ड टाइप की विसल ब्लोइंग आई आपकी पर्सनल विसल ब्लोइंग। पर्सनल विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ विसल ब्लोइंग नहीं कर रहे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है विसल ब्लोइंग नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ एक ऑफेंडर जो कि अनएथिकल काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल अनएथिकल काम कर रहा है, उसके खिलाफ जो है जब विसल ब्लोइंग की जाती है तो उसको हम पर्सनल विसल ब्लोइंग जो है बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका एनोनिमस विसल ब्लोइंग। एनोनिमस विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि जब विसल ब्लोअर जो है अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता है, मीन्स वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा लेकिन अपनी आइडेंटिटी जो है छुपा के रखता है, चाहे वो इंटरनली डिस्क्लोज कर रहा है, एक्सटर्नली डिस्क्लोज कर रहा है, पर वो अपनी आइडेंटिटी जो है उनको, जिनके सामने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, उसको हम एनोनिमस विसल ब्लोइंग जो है बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग। गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग का मतलब होता है ऐसी विसल ब्लोइंग जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ की जाती है। गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल है वो ब्राइब ले रहा है, उसके खिलाफ विसल ब्लोइंग, या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, इल्लीगल तरीके से यूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ जब विसल ब्लोइंग की जाएगी तो उसको हम गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग बोलते हैं। और लास्ट आ गया आपका कॉरपोरेट विसल ब्लोइंग। कॉरपोरेट विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि किसी बिजनेस में जो है जब भी विसल ब्लोइंग की जाती है तो वो आपकी कॉरपोरेट विसल ब्लोइंग कहलाती है। तो नॉर्मली एक्सटर्नल को हम जो है विसल ब्लोइंग को कॉरपोरेट विसल ब्लोइंग में भी इंक्लूड करते हैं, इंटरनल को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है एक बिजनेस में ही, एक कंपनी में ही जो है विसल ब्लोइंग की जाती है। तो जब बिजनेस में की जा रही है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, तो वो आपकी डेफिनेटली जो है कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग जो है वो बन जाएगी। ये थे आपके टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका जस्टिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोइंग, कि विसल ब्लोइंग जो है कहाँ तक जस्टिफाई है, कहाँ तक सही है। कुछ लोगों का मानना है कि विसल ब्लोइंग जो एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग होता है वो सही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी कोई इम्प्लॉई जो है कंपनी को ज्वाइन करता है तो ये उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी बनती है कि वो अपने कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स वर्क हैं उनको जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा, उनको जो है सीक्रेट रखेगा। लेकिन कई जगह जो है विसल ब्लोइंग जो है एथिकल मानी जाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है, किसी इम्प्लॉई को लगता है कि इस पर्टिकुलर इल्लीगल वर्क से, मिसकंडक्ट से जो है
ज्यादा हार्म होने वाला है बाहर वालों को, या फिर जब मैं विसल ब्लोइंग करूंगा इसके खिलाफ तो कंपनी में पॉजिटिव रेमेडीज जो है की जाएंगी, तो विसल ब्लोइंग करना जो है उस टाइम नेसेसरी हो जाता है। पर विसल ब्लोइंग करने से पहले जो है विसल ब्लोअर को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आ गया, तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट आ गया आपका श्योरिटी, कि उसको विसल ब्लोइंग करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए कि क्या जिस बारे में, जिन अनएथिकल वर्क्स को मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, क्या सच में वो इलीगल है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को उस चीज की पावर हो, तो उसको इस चीज के बारे में श्योरिटी जो है ले लेनी चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। सेकेंड आ गया आपका पर्पस शुड बी राइट, कि विसल ब्लोइंग करने से पहले उस इम्प्लॉई का पर्पस जो है वो एथिक्स से भरा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ये नहीं है कि वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए अपने विसल ब्लोइंग कर रहा है, उसको ऐसा, इसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे जो है या तो कंपनी में पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव पॉलिसीज आए, या फिर जो है जो हमारा इन्वायरमेंट है या जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए जो है विसल ब्लोइंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आ गया आपका विसल ब्लोइंग आफ्टर ऑफिशियल चैनल्स एंड इंटरनल रेमेडीज, कि विसल ब्लोइंग का जो काम है जहां तक हो सके पहले ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होना चाहिए, मतलब इंटरनली विसल ब्लोइंग जो है होनी चाहिए ताकि मैनेजमेंट जो है उसको सही ढंग पे, सही तरीके से उन अनएथिक वर्क्स को, मिसकंडक्ट्स को ठीक कर सके। अगर ऑफिशियल चैनल्स या ऑफिशियल रेमेडीज काम नहीं आ रही हैं तो लास्ट में जाके जो है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग करनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग के कई नेगेटिव इफेक्ट जो हैं हो सकते हैं, जैसे विसल ब्लोअर को फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, उसका टर्मिनेशन हो सकता है, कंपनी के रेपुटेशन दांव पे लग जाती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स की रेपुटेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जहां तक हो सके विसल ब्लोअर को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसको पहले जो है इंटरनल मैनेजमेंट को वो चीज इन्फॉर्म करनी चाहिए। अगर इंटरनल मैनेजमेंट उस पॉलिसीज को, उन अनएथिकल कंडक्ट्स को सही नहीं कर रही है, उसके बाद उसको जो है आउटसाइडर्स के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन मस्ट हैव प्रूफ, कि जब भी कोई विसल ब्लोअर जो है विसल ब्लोइंग का काम करता है तो उसके पास सफिशिएंट प्रूफ होना जरूरी है, ताकि जब भी वो केस जो है कोर्ट में जाए तो किन प्रूफ के बेस पे वो उस काम को अनएथिकल बता रहा है वो वहां पे जो है बता सके। और लास्ट पॉइंट आ गया चांसेस ऑफ विसल ब्लोइंग विल बी अ सक्सेस, कि विसल ब्लोइंग एक इम्प्लॉई को तभी करनी चाहिए जब उसको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगी। अगर चांसेस सक्सेस के कम है, मींस उसको लगता है कि उसके विसल ब्लोइंग करते ही जो है उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि हायर रैंक पे, हायर पोजीशन पे लोग बैठे हैं उससे, या फिर कंपनी की पॉलिसीज में इससे कोई चेंज नहीं आने वाला, या कंपनी की रेपुटेशन पे जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उस केस में विसल ब्लोइंग का काम जो है एम्प्लॉई को नहीं करना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है, दोनों तरह के पॉइंट्स जो है इसमें लिख सकते हो कि क्या विसल ब्लोइंग करना ठीक है या विसल ब्लोइंग करना गलत है। तो दोनों चांसेस इसमें आ सकते हैं कि विसल ब्लोइंग एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी है उसकी कि वो ऑफिशियल काम को डिस्क्लोज ना करे, दूसरी तरफ उसकी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, उसकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो शेयर होल्डर्स के, इन्वायरमेंट के हार्म को जो है कम कर सके। आज हमने दो टॉपिक किए, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग एंड जस्टिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोइंग। इनमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगी।